बल्कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व तो केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी स्वीकारता है, और आज वो भारत के नेतृत्व के साथ साथ दुनिया को नेतृत्व देने का भी काम कर रहे हैं। आज कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे, भारत की नीतियों को हर देश कहीं ना कहीं आदर्श रूप में मान रहा है, और जो दुनिया के विकसित देश कहे जाते हैं वह भी उनका हमारे देश का अनुसरण कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां आर्थिक संकट व्याप्त है और रोजगार की समस्या, तमाम प्रकार के हालात प्रत्येक देश के अंदर है, एक भारत ही है जहां अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को जो 2014 से पहले एक जो निराशा का भाव वातावरण था, उस वातावरण को आशा में बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में भी हम सफल हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने जहां पूरे देश के युवाओं को एक आशा और विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है, और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा बल्कि सेनाएं भी अधिक युवा व सशक्त होंगी। जैसे सर्वप्रथम समूचे उत्तराखंड में जिसकी हमारी पहचान वीर भूमि और देव भूमि और सैन्य भूमि के नाम से सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना के अंदर है, किसी के घर से बेटा है, कोई बेटी है, किसी के चाचा हैं, ताऊ हैं, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। ऐसा मैं समझता हूँ कि पूरे अगर हम पर्वतीय जनपदों में देखें तो प्रत्येक परिवार सेना से या अर्धसैनिक बलों से सीधे सीधे कहीं ना कहीं कनेक्ट में है। तो जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत जहां 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी। साथ ही इस योजना से देश के ऐसे युवाओं को बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे, और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा, और एक अनुशासन भी उनको जीवन में निश्चित रूप से जो 4 साल वो देश की सेवा करेंगे उसमें अनुशासित भी होंगे, देश की सेवा का जज्बा भी होगा, और हर किसी को अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे ही युवा नए भारत की नींव रखेंगे, और जिस नींव पर उस नए भारत का निर्माण होगा जिसकी हम लंबे समय से कहते थे कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, हम पुनः विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश मिल रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा की दिशा में किए गए इस अनुपम प्रयास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया है। इस योजना को लेकर देश का और हमारे प्रदेश का युवा अत्यंत उत्साहित है। जहां वैश्विक महामारी चली है, वैश्विक महामारी के बाद बहुत सारे काम हमारे रुक गए हैं, उसके बाद ये योजना लाई गई है, और एक अग्निवीर ने तो मुझे अपनी 2 लाइनें लिखकर भी भेजी जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि अग्निमय हूँ, अग्नि रूप हूँ, मैं अग्नि से आखंड हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। धधक रही राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हृदय में, धधक रही राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हृदय में,
मैं उसी में आसक्त हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। सेना से उत्तराखंड का जुड़ाव सर्वविदित है। हमारे यहाँ के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं को भारतीय सेना का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने सैनिक शहीदों के सम्मान में जो पूरी यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में 1700 से ज़्यादा जो हमारे प्रदेश के रणबांकुरे जिन्होंने देश की शहादत के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके घरों से उनके आंगन की मिट्टी लाकर, उस पावन मिट्टी को लाकर हमने यहीं पर सैन्य धाम बनाने का निर्णय किया है। और इस बजट में हमने 20 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है, जिससे कि आने वाली जो हमारी जितनी पीढ़ियां हैं, सारी पीढ़ियां हमारी उन सैनिकों से, उन वीरों से जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो उनके स्मरण में रहे, उसके लिए एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा देहरादून में, जिसको हमने पांचवा धाम, सैनिक धाम का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, चार धाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में जहाँ भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं, और चूंकि उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग उन 4 सालों में वो पूरी तरह से हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा और उनके जीवन की शैली भी एक प्रकार से हर प्रकार से उपयुक्त हो जाएगी, तो हम सभी सेवाओं में जहाँ भी उनको सेवाओं में अवसर दे सकते हैं, उत्तराखंड की सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता प्रदान करेगी। और इसके संबंध में शीघ्र ही हम सारे नियम तय करेंगे। प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। मैं प्रदेश के प्रत्येक युवा को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो अग्निवीर बनकर राष्ट्र और राज्य का नाम रोशन करें, अपने शौर्य और पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराएंगे। यहाँ पर मैं सभी उपस्थित, क्योंकि आप सब लोग हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये बात क्योंकि सही मायने में आप जिस प्रकार से एक शिल्पी के रूप में और देश को जिस प्रकार से बनाने का काम 2014 से निरंतर जारी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जो अग्निवीर योजना आई है वो योजना कम से कम पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाली है। अधिकतर युवाओं को इसमें मौका मिलने वाला है, तो मैं आप सब के माध्यम से चाहूँगा कि ये बात हमारे प्रदेश के कोने कोने तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए, और जो आने वाले समय के हमारे अग्निवीर हैं उनके हृदय में राष्ट्र की भावना हमेशा ज्वलंत रहे, उनके मन में एक ज्वाला रहे कि हमें देश की सेवा में जाना है, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और चाहूँगा कि आप सब लोग भी जो है, चूँकि एक योजना हमारी जो है इतनी अच्छी लॉन्च हुई है, तो इसमें कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, एक सवाल है कि इसी योजना को लेकर आज बेरोजगार जितने युवा हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है, और अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन है इस अग्निपथ योजना को लेकर। देखिए, जहाँ तक पहले का प्रश्न था, पिछले कुछ सालों से महामारी के कारण से ये सेना की जो भर्ती भी रुकी हुई थी, और अभी जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उन सबको जो है सेना में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये योजना लॉन्च की है, मैं सभी नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, मुझे पता है जो सेना में जाते हैं वो केवल सेना में किसी उस विशेष प्रयोजन के लिए नहीं जाते हैं। सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना होती है, देश की सेवा करने की भावना होती है। सभी नौजवान आगे आएंगे, और चूंकि वैश्विक जो इस समय
व्यवस्थाएं चल रही हैं, वैश्विक जिस प्रकार का व्याप्त संकट है, उस संकट में से सबसे अच्छा जो रास्ता हो सकता है उस रास्ते को निकालने का प्रयास हो रहा है। हम सबको चूंकि एक योजना आई है उस योजना को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसा भी है कि इसमें 80% जो 20% लोग रह जाएंगे उनको जो है वहीं पर आगे की भी सेवा मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के होंगे, जैसे मैंने अपने प्रदेश में कहा है, हर प्रदेश, मैं तो सब प्रदेशों से चाहूंगा कि सारे प्रदेश अपने अपने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो भी अग्निवीर हैं जिनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, जिनका एक जीवन की एक शैली बन जाएगी, उनको वो हर प्रकार से फिट होंगे तो उनको हर जगह अवसर मिलेंगे। इसलिए कोई नहीं, हमने कहा है कि जो है इसको करेंगे हम लोग। आप सभी को एक प्रेस नोट भी सर्कुलेट हो रहा है, सभी को मिल जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, इसके लिए नियम अलग से बनाए जाएंगे इनको सरकारी सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में लेने के लिए अलग से हम लोग नियम बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीएम साहब को राउंड में भी जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पुलिस विभाग, हमारे एसपी बैठे हैं, हमारी गृह सचिव बैठी हुई हैं, और तो पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, चार धाम यात्रा है, हमारे जो आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य विभाग हैं, उपनल है, ये जहाँ जहाँ भी हम दे सकते हैं, यानी ये कोई, मैंने ये कुछ विभाग बताए हैं, ये जरूरी नहीं है। जिन विभागों में जहाँ पर वो अग्निवीर, मैंने कहा कि हर प्रकार से प्रशिक्षित होके आएंगे और इतने फिट होंगे, वो उनकी एक अलग प्रकार की जीवन शैली होगी, व्यवस्थित अनुशासित और देशभक्ति का जो जज्बा होगा उनका, तो निश्चित रूप से वो खाली बैठने वाले नहीं है, आगे भी उनको कहीं ना कहीं योगदान मिल जाएगा। और जो है, नहीं नहीं चंद्रशेखर भाई, तो मीडिया में भी आ सकते हैं। हाँ, मीडिया में भी आ सकते हैं। चाहता हूं कि चूंकि हमारा राज्य जो है हमेशा देशभक्ति से ओत प्रोत रहा है, हमारे देश के हमारी